अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 210, ठंडे दिमाग से काम ले। लैला सुधांशु के जरिए भेजे जाने वाले ड्राइवर के बारे में सोचते हुए सेट पर पहुंची। हमेशा की तरह आज भी कुछ जरूरी लोग लेट थे, जबकि लैला ये सोचकर आई थी कि इधर से जल्दी जल्दी सब काम निपटा कर सेकेंड हाफ में यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ के आसार देख कर तो लग ही नहीं रहा है कि मैं जल्दी निकल पाऊंगी। समझ में नहीं आता लोग वक्त को इतना जरूरी समझते क्यों नहीं है। वो मन ही मन भुनभुनाते हुए कबीर की दी हुई किताब पढ़ने लगी थी। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे थे। जैसे ही सुहाना की नजर उस पर पड़ी तो सुहाना ने तेजी से उसके पास आते हुए कहा, माया ने बताया कि तुम कोई डिक्शन क्लास ज्वाइन करने वाली हो। लैला ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। तब सुहाना ने कहा, मैं जानती हूँ कि ये सारी स्किल्स कितनी जरूरी हैं, लेकिन फिर भी उसकी वजह से इधर की चीजें सफर ना करें, ओके? तब लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इधर कोई कोताही नहीं करने वाली हूँ। बस अगर थोड़ा और पहले स्टार्ट कर सके टाइम से तो मेरे लिए आसानी हो जाती, और फिर पहले मेरे शॉर्ट्स ही शूट कर लिए जाते तो। लैला कहते कहते थोड़ा हिचक रही थी। तब सुहाना ने कहा, हाँ, ये लोगों के लेट आने की वजह से तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन जब किसी काम में इतने सारे लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं ना, तो थोड़ी मुश्किल तो होती है लोगों को मैनेज करने में। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे टेक्स पहले ले लिए जाए। सुहाना कहकर चली गई तो लैला ने कुछ चैन की सांस ली। अभी तक सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था, इसीलिए उसे अब यकीन हो चला था कि आगे भी सब कुछ ठीक होगा। उधर गांव में नंद राय बाहर बैठक में मौजूद था कि तभी अम्मा कुछ हड़बड़ाती हुई उसके पास पहुंची, और फिर बैठक में नजरें घुमाते हुए पहले कंफर्म किया कि वहां कोई और तो मौजूद नहीं है। वहां नंद राय के अलावा और कोई मौजूद नहीं है ये देखकर वो नंद राय के सामने आई और फिर अपने हाथों में थमा न्यूज़पेपर उसके सामने रखते हुए बोली, ये देख, मैं बोलती थी ना कि ये लड़की लाली है। नंद राय ने अम्मा के ऐसे कहने पर जब अखबार पर नजर डाली तो वहां फिल्मी पेज पर नरेन और लैला की बड़ी सी रंगीन तस्वीर छपी थी। गांव की लड़की की उस वेशभूषा में वो यकीनन लाली ही थी, और उसके साथ नरेन के ऐसे पोज में फोटो देखकर नंद राय का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। नंद राय ने गुस्से से खोलते हुए कहा, इसका मतलब ये दोनों मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं, वरना इस फोटो को देखकर कोई कह नहीं सकेगा कि लाली नहीं है। तो क्या उस नरेन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी होगी? आज के आज बंबई जाकर इन दोनों को इनकी औकात याद दिलाता हूँ। लेकिन पोते के मुंह में पड़ी हुई अम्मा ने जब नंद राय को ऐसे नरेन पर गुस्साते हुए देखा तो जल्दी से फिर बात पलटते हुए बोली, अरे तू अपने गुस्से को शांत रख नंदू, वरना एक बार फिर से बेटे को खो देगा। मुझे तो ये सब कुछ उस लड़की का ही तिरिया चरित्र लगता है, उसी ने जरूर मेरे नरेन को कोई पाठ पढ़ाया होगा। भी वो सब कुछ देख कर जानते बूझते भी उसकी पहचान छुपाने में मदद कर रहा है, इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि गुस्से में आने की बजाय इस मसले को अकलमंदी से सुलझाने की कोशिश कर। लेकिन नंद राय को अपने गुस्से पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। उसने एकदम से अखबार को दूर फेंकते हुए कहा, यहाँ मुझे ये खबर बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही है अम्मा, और तू कहती है कि अकलमंदी से सुलझाऊं? अरे तू ये बता कि क्या करूं मैं, चुपचाप देखता रहूं कि कैसे मेरा बेटा मेरी बीवी के साथ पर्दे पर इश्क लड़ा रहा है? अम्मा ने उसके कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, तू एक काम कर, नरेन को कॉल करके पूछ, देख कि वो क्या बोलता है, फिर उसके बाद तय कर लेना कि क्या करना है। ऐसे अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचते। अम्मा ने उसे इतने प्यार से समझाया कि नंदराय को शांत होना ही पड़ा, पर ना भी उसके मन में अंदर ही अंदर आग सी लगी हुई थी। उसका दिल चाह रहा था कि अभी के अभी बंबई जाकर उन दोनों की असलियत पता करे, लेकिन अम्मा की वजह से वो अभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था कि जिससे उनको कोई सदमा पहुंचे। अभी अभी तो उनकी तबीयत संभली थी, इसीलिए उसने सामने दीवार पर टंगी घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, अभी तो वो घर पर होगा नहीं, शाम में बात कर देखता हूँ। अम्मा उसके इतनी आसानी से मान जाने पर कुछ खुश होते हुए बोली, अरे मेरा समझदार नंदू, गुस्से से कोई मसला हल नहीं होता बेटा, और गुस्से में अक्सर लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है, इसीलिए जब दिमाग ठंडा हो जाए तभी जो भी फैसला लेना हो ले लेना चाहिए।
कहकर अम्मा वापस अपने कमरे में चली गई। नंदराय यूं ही बैठक में अकेले पड़ा खोलता रहा। लैला 2 बजे तक अपनी शूटिंग निपटा कर रवि के इंस्टीट्यूट आ गई थी, जहाँ पर उसे डिक्शन क्लासेस करनी थी। अभी उसने बिल्डिंग में कदम ही रखा था कि तभी उसे बाहर निकलता हुआ रवि दिख गया। लैला को देखते ही उसने एकदम खुशदिली से कहा, ओहो लैला, बड़े दिनों बाद, ऐसी हो और यहाँ कैसे? लैला ने भी उसे जवाब में ग्रीट करते हुए कहा, हाँ दरअसल काफी दिनों से इंग्लिश की प्रैक्टिस छूट गई है ना, इसीलिए इसी वजह से सोचा कि एक हफ्ते की क्लास फिर से ज्वाइन कर लूं, तो थोड़ी फ्लो फिर से आ जाए। उसका जवाब सुनकर रवि ने फिर से वही टॉपिक छोड़ दिया जिससे लैला बचना चाह रही थी। और बताओ, तुम्हारे वो गांव वाले रिश्तेदार कैसे हैं? तब लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गांव वाले लोग मेरे नहीं, मेरे किसी पहचान वाले के रिश्तेदार थे जिन्हें वो पैसा भेजा करते थे। अब वो पैसे नहीं भेज रहे हैं तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। लैला की आवाज से रवि को साफ महसूस हो रहा था कि वो उसे टालना चाह रही है, लेकिन उसने आगे कोई सवाल किए बिना ही कहा, ओके तो तुम जाकर अपनी क्लास के लिए बात कर लो, मैं भी ट्रेनिंग के लिए निकलता हूँ। रवि उसे बाय कहता हुआ वहां से निकल गया। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए रवि अभी लैला के बारे में ही सोच रहा था। कभी कभी ये लड़की इतना मिस्टीरियस साउंड करने लगती है, ये ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने राज छुपा रखे हैं। डिक्शन क्लास से निकलते हुए लैला ने जब अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो अभी 5 बजने में कुछ वक्त बाकी था। तभी उसे सुजॉय का ध्यान आया। उसने वही पब्लिक टेलीफोन बूथ से सुजॉय को कॉल करके पूछा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहाँ आना होगा? सुजॉय ने कहा, अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो तुम यहाँ आ सकती हो। लैला ने ओके कहा और फोन रखकर टैक्सी के लिए इधर उधर देखने लगी। काफी देर खड़े होने के बाद उसे जब टैक्सी मिली तो उसने मन ही मन कहा, बस आज भर तुम लोग भी भाव दिखा लो अपने, भगवान करे ये वाला कैंडिडेट सही निकले तो मैं आज के आज ही उसे ज्वाइन करवा लूंगी, और कल से तुम लोग बैठे रहना अपनी टैक्सी लेकर। उसने टैक्सी में बैठते हुए मन ही मन में सोचा। कुछ ही देर में वो सुजॉय के ऑफिस में थी। वहाँ के पुराने लोग लैला से काफी खुशदिली से मिले। सबसे मिलते मिलाते जब लैला सुजॉय के केबिन में पहुंची तो वो उसके इंतजार में बैठा हुआ था। उसके सामने एक फाइल रखी हुई थी। लैला को देखते ही उसने हेलो बोलते हुए कहा, अच्छा लगा मुझे देखकर कि तुमने समझदारी से फैसला किया है। ये सुनकर लैला ने बेसाख्ता खिलखिलाते हुए कहा, ये समझदारी समझदारी कम, मजबूरी ज्यादा है। आपने मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा भी तो नहीं था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैंने ऑलरेडी सुहाना और पार्थो सर की फिल्म साइन कर ली है, इसीलिए हो सकता है कि इन सब से निपटने के बाद ही आपकी फिल्म के लिए डेट्स निकाल पाऊं। तब सुजॉय ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे भी शूटिंग शुरू होने में वक्त है, अभी हम प्री प्रोडक्शन ही शुरू कर रहे हैं, तब तक सुहाना की फिल्म वाइंड अप हो जानी चाहिए। कहते हुए सुजॉय ने सामने रखी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर ठीक है, कहकर लैला ने वो फाइल थामी और फिर उलट पुलट कर कॉन्ट्रैक्ट पेपर गौर से देखने लगी। तब तक सुजॉय ने इंटरकॉम पर कॉफी ऑर्डर कर दी थी। लैला जब तक वो फाइल देखकर फ्री हुई तब तक स्पॉट बॉय कॉफी की ट्रे लाकर रख चुका था। उसके जाने के बाद सुजॉय ने ट्रे से कॉफी का कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया और ठीक उसी वक्त लैला ने भी वो फाइल वापस उसकी तरफ बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि सुजॉय के हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप डगमगाते हुए काफी सारी कॉफी लैला की ड्रेस पर गिरा चुका था। सुजॉय तो ये देखकर एकदम से हड़बड़ाकर उठ गया और अपने रुमाल से लैला की ड्रेस पर गिरी कॉफी साफ करने लगा। अचानक हुए इस इंसिडेंट की वजह से लैला भी उठ खड़ी हुई थी, साथ ही गर्म कॉफी की जलन उसके कपड़ों से होते हुए उसकी बॉडी तक भी पहुंच चुकी थी। जलन महसूस करते ही लैला के मुंह से सिसकारी सी निकली। उसे दर्द में देखकर सुजॉय ने आओ न देखा ताओ उसने एकदम से दोनों हाथों से पकड़कर उसकी ड्रेस उसकी बॉडी से दूर करने की कोशिश की और बेचैनी से पूछा, जल तो नहीं रहा ना? लैला उसे इस तरह अपने लिए परेशान देखकर अजीब से एहसास में घिर गई थी। उस पर वो इस वक्त लैला के बेहद करीब था, इतने करीब कि लैला को उसकी सांसें अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस हो रही थी। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, थोड़ा थोड़ा। यह सुनकर सुजॉय उसके सीने पर फूंक मारते हुए उसे आराम देने की कोशिश करने लगा और ठीक उसी वक्त उसके केबिन का दरवाजा खुला।
दरवाजे के खुलने की आवाज से दोनों की नजर जब उस तरफ गई तो दोनों ही चौंक से गए। सामने कोई और नहीं बल्कि जेनी थी और उसके साथ। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ने जो नजारा था उसे गलत समझाने के लिए काफी था। वो किसी घायल नागिन की तरह फुफकारती हुई उन दोनों की तरफ बढ़ी और कहा, ये क्या बदतमीजी है सुजॉय? जेनी की चीख सुनकर जैसे दोनों ही उस शॉक से बाहर आए जो उन्हें अचानक जेनी को सामने देखकर लगा था। सुजॉय ने जल्दी से लैला की ड्रेस छोड़ते हुए जेनी से कहा, जेनी तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल बात यह है कि, अभी सुजॉय कह ही रहा था कि जेनी ने उसकी बात गुस्से से काटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ सुजॉय, मैं वो कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था तुम किसी और से सरप्राइज लेने में बिजी हो और इन सब के चक्कर में मैं सरप्राइज रह जाऊंगी। उसने सुजॉय से कहकर लैला की तरफ मुड़ते हुए कहा, और तुम? मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ। सुजॉय अब मेरा मंगेतर है, इसीलिए बेहतर है कि तुम इससे जितना दूर रह सको रहो, वरना मैं मेलोड्रामा में जीने वाली टिपिकल लड़की नहीं हूँ जो तुम्हें इतनी आसानी से मेरे मंगेतर के साथ ये सब अय्याशियां करने दूंगी। वैसे भी तुम फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। जब जिस फिल्म में काम किया उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो के साथ सोना, कभी तुम्हारी मजबूरी तो कभी तुम्हारा शौक होता है ना? जेनी गुस्से से बोली चली जा रही थी, लेकिन अभी उसने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि सामने खड़े सुजॉय का हाथ पर बस ही उसकी तरफ उठने को था। लैला को जैसे ही आभास हुआ उसने तेजी से अपना हाथ बढ़ाकर सुजॉय के हाथ को बीच में ही रोक दिया। गुस्से में सुजॉय के चेहरे की एक एक रग उभर सी आई थी, जबकि लैला ने छलकती हुई आंखों को मुश्किल से रोककर सुजॉय की तरफ देखा और उसे मना करने वाले अंदाज में अपना सिर हिलाने लगी। ये सब देखकर जेनी के गुस्से की सारी हदें टूट सी गई थी। उसने गुस्से और नफरत से लैला की तरफ देखा और फिर सुजॉय से बोली, तुमने वो कौड़ी की लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाने का सोचा, वो भी तब जब मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा है और तुम लोगों के ठीठ पने का कोई जवाब नहीं है कि तुम लोग उल्टा मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुजॉय? सुजॉय ने जब उसे ऐसे ड्रामा करते हुए देखा तो एक गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी जेनी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने भी उल्टी सीधी बातें बोलने की सारी हदें पार कर दी थी। तुमने जो कुछ भी लैला को कहा वो मेरी जगह पर कोई दूसरा इंसान सुनता तो उसे इतना ही गुस्सा आना था। रहा सवाल तुमने अभी अभी जो कुछ देखा है उसका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लैला यहाँ मेरी अगली फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने आई थी, मेरे हाथ से कॉफी का कप लड़खड़ाया और कॉफी छलक कर लैला की ड्रेस पर जा गिरी। उसे बर्न ना हो जाए इसलिए बस मैंने उसकी ड्रेस को बॉडी से दूर हटाकर होल्ड कर रखा था, बस इतनी सी बात थी। पूरी बात कहने के बाद सुजॉय को ऐसा लगा था कि जैसे अब जेनी शांत हो जाएगी, लेकिन सुजॉय की बात सुनकर जेनी के चेहरे का रंग कुछ और ही बदल गया था। वो कुछ देर तक दोनों को यूं ही खूंखार नजरों से देखती रही, फिर उसने अचानक से अपना लहजा बदलते हुए शांत लहजे में कहा, ठीक है, मैं भूल जाऊंगी कि अभी अभी तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। जेनी के मुंह से शर्त की बात सुनकर सुजॉय और लैला दोनों ही चौंक गए। अपनी बेइज्जती का बदला चुकाने के लिए जेनी ऐसी कौन सी शर्त रखने वाली थी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।